ऋत्विक भी आ गए, तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बैठ के बस फोटो वीडियो शूट सब अच्छा करे। क्लासिक लोकेशन है फॉर कैंपिंग एंड ऑल सच थिंग। वहाँ पे तो पर्टिकुलर स्पॉट भी है कैंपिंग के लिए, जहाँ पे नाइट आउट लोग नाइट पे कैंपिंग करते। खतरनाक सा व्यू है, उसे व्यू को एक बार है क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है खाने में, एकदम कलरफुल। हेलो दोस्तों, तो सफरनामा का पलटन निकल चुका है एक और वीकेंड ट्रिप पे, वन डे ट्रिप। और इस बार कुछ सोचा है, इस बार तो पक्का सोच के निकले कि कैंपिंग ही करेंगे, लेकिन देखते हैं हो नहीं। सोच कर रखा है कि और कुछ नहीं, कैंपिंग तो करना ही है इस बार, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कैंपिंग करना करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद के रखा है, लेकिन यूज़ तो बिल्कुल नहीं होता, तो इस बार तो करने वाले। और अपना फेवरेट प्लेस कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट वो है भांडारा, क्योंकि भांडारा जो अंदर रहते थे और क्लासिक लोकेशन है फॉर कैंपिंग एंड ऑल सच थिंग। वहाँ पे तो पर्टिकुलर स्पॉट भी है कैंपिंग के लिए, जहाँ पे नाइट आउट लोग नाइट पे कैंपिंग करते, पूरा वहाँ पे टूरिज्म है कैंपिंग का। लेकिन हम लोग देखते हैं किधर अच्छा से स्पॉट मिल के रुक के थोड़ा बेसिकली चिल मारेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग लेके हर हर महादेव। तो फाइनली काफ़ी ऊपर आए और सामने एकदम सह्याद्री के माउंटेन रेंज, जो अभी तक मैंने दिखाया नहीं आपको, तो टाइम पे दिखाने वाला हूँ। गाड़ी जबरदस्त नॉइस कर रही है क्योंकि फुल एसी चालू है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि बाहर धूप है लेकिन हवा ठंडी है, बस ठंडा हवा है। चलो आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये माउंटेन रेंज आप देख पाते रहोगे, पीछे पूरा माउंटेन रेंज है, यहाँ से लेकर पूरे पीछे तक, और काफ़ी बड़े बड़े पूरे सह्याद्री के जो माउंटेन रेंज है ना, काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी के साथ फ़ोटो लेते, फिर थंबनेल के लिए भी ज़रूरी है ना, तो थंबनेल के लिए फ़ोटो लेते फिर आगे बढ़ते। इसके मेरे पीछे भी है अच्छा खासा, लेकिन ये क्या है, माउंटेन रेंज से आए और वहाँ पे जो मेन माउंटेन रेंज है क्लासिक है। सही में यार भांडारा में ना हर सीज़न के लिए अलग अलग ही व्यू है, मानसून का एक अलग व्यू है, आफ्टर मानसून का एक अलग व्यू है। ये देखिए लाना है, सो फाइनली काफी सारे वीडियो शूट कर लिया, काफी सारे फोटोज निकाल लिया, बेस्ट व्यू पॉइंट है, मस्त हवा आ रहा है, काफी सारी गाड़ी भी रुकी है, तो लोग यहाँ पे मस्त देख के ले देख लो ठीक है। तो ऋत्विक भी आ गए, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बैठ के बस फोटो वीडियो शूट सब अच्छा करे। क्लाइमेट प्लेजेंट है, धूप है लेकिन इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि ठंडा है हवा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने आगे जाना है। तो अभी हम लोग आए भांडारा डैम के यहाँ पे, तो यहाँ पे ना अभी बोटिंग भी चालू किया है, तो लोग काफ़ी लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, तो नहीं नहीं मित्र नहीं कराए थे, कितनी है पर पर्सन? 100 रुपये। अच्छा नहीं नहीं कराए थे, चलो आगे जाते। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ भांडारा डैम का, जो एक्चुअल भांडारा डैम है पूरा लेक का वो दिखाता हूँ, फिर आगे जाके वो जो बहन का वाटरफॉल होता है जहाँ से, तो ये है कुछ इस तरीके से।
अभी ये जगह पे लोग मोस्टली लोग आते नहीं है, लोग आगे जाते हैं जहाँ पे अच्छा खासा अम्ब्रेला वाटरफॉल होता है, यहीं से अम्ब्रेला वाटरफॉल होता है बेसिकली। तो ये देखिए बोटिंग हो रहा है यहाँ पे पर पर्सन, और ये रहा अपना गाड़ी। गरम करने का दिखा रहा हूँ, गरम कर। तो फाइनली अपने यहाँ पे चालू हो गया है। ये एक्चुअली थोड़ा टेंट मिला है यहाँ पे, छोटे जगह मिला ऊपर बांध रहा है, आप देख पाते हो यहाँ पे बांध रहा हिल्स कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह मिला है तो हम लोग बोला कि यहीं पे रुकते क्योंकि अंदर जा नहीं पा रहे, तो बोला कि यहाँ पे देखते। और यहाँ पे खेती का चालू है मस्त बटर लगा के, ये अपना गैस ब्रेड में बटर लगा ली और इसमें खाएगा अभी हम लोग मस्त। प्लेट दे रहे गुतिक प्लेट लेके आओ जाओ। तो भाई अंडा ब्रेड बन रहा है यहाँ पे मस्त, अंडा ब्रेड बना रहे। तो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ब्रेड बटर खा रहा है। और यहाँ पे बन रहा है अपना अंडा ब्रेड। ब्रेड तो घर से बना के लेके आए क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है खाने में, एकदम कलरफुल। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ने बाहर बना के पका के खा रहे, एटलीस्ट स्टार्ट तो किया हम लोग ने, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे अच्छे लोकेशन में जाके ऐसे बना के खाएंगे। मम्मी ये बटर, ये बटर अच्छा लग रहा है खाने में, ये बटर। गैस बंद हो गया, हुआ चालू। नहीं ये बटर गाली बटर वाला अच्छा लग रहा है। हाँ वो बटर, वो पाव भी दे दो मम्मी, हमें ये पाव भी दे दो। अनेक जोड़ दो वो। इसको रख दिया मैंने, ये भी। तो गैस। बंद कर दिया। ऐसे ही रहना दो पहले खा लेते हैं। तो अपना बन चुका है मस्त। चिट्टी क्या खा रहे हो? ऑमलेट ब्रेड। भेजो इधर कुछ। ठीक है खा के हो गया, खा के हो गया, पेट भरा, अच्छा लगा मस्त। अभी हम लोग चाय का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मस्त व्यू के साथ पूरा जगह मिल गया, तो इतना एफर्ट जानना नहीं पड़ा, मिल गया जगह तो यहीं पे बैठ के खा लें, अच्छा लग रहा है। बेसिकली जो स्टॉल्स है ना, ये कैसे है कि जब रेनी सीजन होता है ना, जब रेनी होता है तो यहाँ पे सब गांव वाले आके का सीजन चलता रहता है। ये देखिए काफ़ी सारे गाड़ी यहाँ पे से रुके, और ये अपना बगेरा। सुनो चाय पीते गर्मा गर्म, हाँ गर्म है बहुत, बहुत गर्म है। शुगर कम है बट थैंक्स टू बगीरा यहाँ तक लेके आने के लिए। गाड़ी को वहाँ पे पार्क कर दिया वो, इसलिए यहाँ पे हम लोग चल के जा रहे, वो इसलिए चल के जा रहे क्योंकि सामने एक कमाल का नज़ारा है जो मिस नहीं करना चाहता, और ना मैं आपको मिस कर देता हूँ। सो दिखाए, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। पूरा भंडारा का जो वैली है, पूरा डैम, पूरा डैम का व्यू आ रहा है इधर से। चलो ज़्यादा आपको रुकाते नहीं है, व्यू दिखाते। सो ये अपना वाइड एंगल में पूरा देख पाते हो, क्या खतरनाक सा व्यू है। उस व्यू को एक बार ऐसे भी देखते हैं। ये देखिए ये रास्ता है, ये अपना बांध रहा है, कितने खोज किया है यहाँ पे
नेक है तो बेसिकली इस वजह से नेकलेस बोलते हैं इसको। दिखाओ। हाँ वैसा तो इसी का कहना है। तो आप कमेंट करके बताओ कि इस जगह पे नेकलेस का कैसे कहते हैं, आपको तो पता रहेगा तो आप बताइए। वैसे कितनी का कहना है ये नेकलेस से निकले ऐसे नेकलेस वाटरफॉल। और यहाँ पे पूरा रास्ता जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एकदम इतनी बड़े रास्ते है सब। सो फाइनली वी आर इन अमृतेश्वर, जो काफ़ी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जाना है करके नहीं हो रहा था, लेकिन आ गए हम लोग। और 700 साल पुराना मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर, तो चलो जाते हैं दर्शन करते हैं मंदिर। ये ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो फाइनली काफी समय से कोशिश करके आज दर्शन हो गए अमृतेश्वर टेंपल का। और पीछे आप देख पाते होंगे सह्याद्री माउंटेन्स का, ये जो मंदिर है ऐसा बहुत सही है मंदिर, एकदम अलग ही आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत है। तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग और स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में सुरजित मंडल 15। चलो।